स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्स सिस्टम। क्वेश्चन में ये डायग्राम अपने को गिवन है। इस डायग्राम में ये होती है एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। ये है वाई एक्सिस, इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन में चार फोर्सेस प्रेजेंट है। फर्स्ट फोर्स है ये वाला 15 न्यूटन का, सेकंड फोर्स है ये वाला 20 न्यूटन का, थर्ड फोर्स है ये वाला 50 न्यूटन का, फोर्थ फोर्स है ये वाला 60 न्यूटन का। क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, ये जो डायग्राम में चार फोर्सेस प्रेजेंट है, इन चारों फोर्सेस को सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स सिस्टम वाली डायग्राम है इसमें चार फोर्सेस प्रेजेंट है, इन चारों फोर्सेस का जो भी इफेक्ट होगा उसी इफेक्ट को अपने को सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। अभी कुछ बेसिक्स देखते हैं। फर्स्ट है ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको दोनों साइड एक्स नेम कर लेते हैं, एक्स यहाँ पे भी नेम किया और एक्स यहाँ पे भी नेम किया। नेक्स्ट है वर्टिकल एक्सिस या जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं इसको या फिर वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, इसको भी यहाँ पे नेम करते हैं। ऊपर भी हम लोग ने नेम किया और नीचे भी वाई नेम किया। अभी ये जो एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें यहाँ पे जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे पॉजिटिव साइन देते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव साइन। वही एक्स एक्सिस में यहाँ पे जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, इसको हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। वैसे ही वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में यहाँ पे जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिखते हैं। और वैसे ही वाई एक्सिस में नीचे ये जो सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एरिया होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इस एरिया को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट अभी फोर्सेस देखेंगे। एक्स एक्सिस वाली फोर्स, इस एक्सिस पे जो फोर्सेस है वो देखेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे एक्स एक्सिस वाली। ये है अपनी एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें दो फोर्सेस है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला, ये होता है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स। इसका मतलब ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स, ये वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाले जो भी फोर्सेस होंगे सिस्टम में प्रेजेंट, उन फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन मतलब ये वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स होता है ये वाला, इसका साइन है नेगेटिव, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। यानी ये वाले जो फोर्सेस रहेंगे इसको हम लोग सारे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस यानी वाई एक्सिस वाला फोर्सेस, ये है अपनी वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में सबसे फर्स्ट फोर्स है ये वाला, इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स वाला फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड्स वाला फोर्स है ये वाला, इसका साइन क्या है, इसका साइन है पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग ऐसे फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड्स वाले फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और इसका उल्टा वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड वाला फोर्स है ये वाला, वर्टिकली डाउनवर्ड वाले फोर्स को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। वर्टिकली डाउनवर्ड वाले फोर्स को हम लोग ने नेगेटिव कंसिडर किया, यानी न्यूमेरिकल में जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड वाले फोर्स रहेंगे उसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। अभी क्वाड्रेंट्स के साइंस देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका साइन आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक्स और वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में
नेगेटिव और पॉजिटिव है, एक्स और वाई। एक्स है नेगेटिव, यहाँ से मिला, और वाई है पॉजिटिव, वो यहाँ से मिला। अभी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव नेगेटिव, ये एक्स और ये वाई। एक्स नेगेटिव अपने को यहाँ से मिला और वाई नेगेटिव अपने को यहाँ से मिला। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव अपने को यहाँ से मिला और ये जो वाई है वो नेगेटिव अपने को यहाँ से मिला। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है अपनी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सबसे फर्स्ट इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स है। इस क्वेश्चन में चार फोर्सेस है और चारों फोर्सेस इंक्लाइंड है, फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स और फोर्थ फोर्स। इंक्लाइंड फोर्सेस का मतलब क्या, ऐसे फोर्स जिनमें एंगल प्रेजेंट हो, यहाँ पे एंगल प्रेजेंट है 32 डिग्री का, वैसे ही बाकी फोर्सेस में एंगल प्रेजेंट है। इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करते हैं इसका मतलब क्या, उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे 15 न्यूटन के इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। अभी ये जो फोर्स है उसका एंगल है 32 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये जो फोर्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और ये फोर्स कितना भी आगे जाएगा तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इस फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या, हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। एक्स पॉजिटिव के लिए हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला, और वाई पॉजिटिव के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला। अभी इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को नेम करना है। यह है इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट और यह है वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है। ये y कंपोनेंट है क्योंकि ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट है। अभी इसमें जो एंगल है वो 32 डिग्री है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसका एंगल है, तो इसीलिए x कंपोनेंट में cos आएगा, 15 cos 32 डिग्री। और ये जो 15 है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 15, तो इसीलिए यहाँ पे आया 15। और एक डायलॉग अपने को याद रखना है यहाँ पे, जिसका एंगल उसका cos। इस फोर्स का एंगल है 32 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा, कॉस 32 डिग्री। अभी कॉस यहाँ पे हुआ तो बचा साइन, यहाँ पे आएगा 15 साइन 32 डिग्री। अभी इस फर्स्ट फोर्स का रिजॉल्व कंप्लीट हो चुका है, अभी बाकी फोर्स के लिए रिजॉल्व करना है उसके क्वाड्रेंट्स देख के। नेक्स्ट है ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स है 20 न्यूटन का और इसका एंगल है 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और ये कितना भी आगे जाएगा तो भी ये फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के एक्स नेगेटिव के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे, और y पॉजिटिव के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे। अभी नेमिंग करना है, साइन और कॉस का नेमिंग करना है। अभी इस फोर्स का एंगल है 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसका मतलब x कंपोनेंट में कॉस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 cos 20 डिग्री, और ये जो 20 है वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और अभी बचा हुआ साइन कंपोनेंट यहाँ पे आएगा 20 sin 20 डिग्री। इस 20 डिग्री का मतलब ये एंगल, और यहाँ पे भी वही डायलॉग, जिसका एंगल उसका कॉस। इस फोर्स का एंगल है 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आया। अभी इसका रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला फोर्स है ये वाला फोर्स, ये फोर्स है 15 न्यूटन का और इसका एंगल है 70 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और ये कितना भी नीचे जाएगा तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसका रेजोल्यूशन करेंगे। एक्स नेगेटिव के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला,
और वाई नेगेटिव के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला। अभी नेमिंग करना है साइन और कॉस वाला। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 70 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा, तो यहाँ पे आएगा 50 कॉस 70 डिग्री। ये जो 50 है वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और बचा हुआ साइन यहाँ पे आएगा 50 साइन 70 डिग्री। तो इस फोर्स का रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ये फोर्स है 60 न्यूटन वाली फोर्स, इसका एंगल है 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है वो प्रेजेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कितना भी नीचे जाएगा तो भी ये प्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगी, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इस एक्स पॉजिटिव के लिए हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाली, और वाई नेगेटिव के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाली। अभी नेमिंग करना है। इसका जो एंगल है 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 कॉस 15 डिग्री। ये वाला जो 60 है वो इसका मैग्नीट्यूड 60 डिग्री, और अपना डायलॉग क्या था, जिसका एंगल उसका कॉस। इसका एंगल 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आया। अभी बचा हुआ साइन यहाँ पे आएगा 60 साइन 15 डिग्री। तो अपना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाला स्टेप हो चुका है। अभी हम लोग समेशन ऑफ एफेक्ट्स फाइंड करेंगे। तो समेशन ऑफ एफेक्ट्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस। अभी एक्स डायरेक्शन वाले कौन से फोर्सेस है, फर्स्ट फोर्स है ये वाला, सेकेंड है ये वाला, थर्ड है ये वाला, और फोर्थ है ये वाला, यानी चार फोर्सेस है वो एक्स डायरेक्शन वाले। तो उसको अपने को अभी लिखना है, और इसमें हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाले सारे फोर्स हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, सबसे फर्स्ट फोर्स कंसिडर करते हैं ये वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन का, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये जो फोर्स है 15 कॉस 32, वो हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 15 कॉस 32 डिग्री, और इसका जो साइन है वो पॉजिटिव लिखा हम लोग ने। क्यों पॉजिटिव लिखा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव, तो ये वाला फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला था, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। नेक्स्ट वाला जो फोर्स है वो है ये वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन वाला है, ये वाला फोर्स है 60 कॉस 15 डिग्री। ये वाला फोर्स भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 60 कॉस 15 डिग्री। अभी नेक्स्ट वाला फोर्स, चार फोर्सेस अपने को ड्रॉ करने हैं, लिखने हैं, उसमें से दो फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं और दो फोर्सेस बचे हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ये वाला फोर्स, ये है 20 कॉस 20 डिग्री वाला फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में है। लेफ्ट डायरेक्शन में इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20 कॉस 20 डिग्री। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में है, और हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्या किया है, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में, इसे नेगेटिव लिखा। अभी लास्ट वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में बचा है ये वाला 50 कॉस 70 डिग्री। ये वाला फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस 50 कॉस 70 डिग्री। अभी ये सारे जो टर्म्स है उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट 15 कॉस 32 पुट करेंगे, कैलसी को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद 15 एंटर करेंगे, 15 कॉस यहाँ पे कॉस 32 एंगल एंटर करना है 32, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म है 60 कॉस 15, 60 एंटर करेंगे 60, फिर कॉस 15 डिग्री, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद है माइनस 20 कॉस 20, तो माइनस एंटर करेंगे 20 कॉस 20, यहाँ से 20 ये 20 कॉस 20, फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट है माइनस 50 कॉस 70, फिर माइनस एंटर करेंगे 50, फिर यहाँ से कॉस 70, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू एंटर करेंगे, आंसर आता है 34.78।
आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 34.78 न्यूटन, और इस आंसर को बॉक्स करेंगे। ये आंसर अपना पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वही करेक्ट डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन लिखा है वही डायरेक्शन फिर से अपने को यहाँ पे लिखना है। इसमें एफ एक्स में डायरेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड करेंगे इसका मतलब क्या, फोर्सेस इन वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस या वाई कंपोनेंट वाले कौन से फोर्सेस है, फर्स्ट है ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है। इसमें भी चार फोर्सेस है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ने इसमें कंसिडर क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो अभी फर्स्ट फोर्स है अपना ये वाला, ये वाई डायरेक्शन वाला फोर्स है और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है, मतलब ये पॉजिटिव फोर्स है। ये फोर्स क्या है, 15 sin 32 degree, तो इसको यहाँ पे लिखे गए 15 sin 32 degree, और इसका साइन हम लोग ने पॉजिटिव लिखा क्योंकि ये वाला फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है, और यहाँ पे हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिखा है। नेक्स्ट वाला फोर्स है अपना ये वाला फोर्स है 20 sin 20 degree का, उसको लिखे गए यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 20 sin 20 degree, ये पॉजिटिव आया। नेक्स्ट वाला जो फोर्स है अपना वो है ये वाला जो फोर्स है 50 sin 70 degree, ये वाला वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वाला फोर्स है, तो ये नेगेटिव आएगा 50 sin 70 degree वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 50 sin 70 degree। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला फोर्स है, और लास्ट वाला फोर्स अपना बचा है वो है ये वाला 60 sin 15 degree वाला, ये वाला फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वाला फोर्स है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस 60 sin 15 degree। अभी इन सारे टर्म्स को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट है 15 sin 32, 15 एंटर करेंगे 15 साइन, यहाँ पे साइन और 32 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 20 sin 20 है, प्लस एंटर करेंगे और ये 20 साइन, यहाँ पे साइन 20 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद टर्म है माइनस 50 sin 70, तो माइनस यहाँ से आएगा 50 sin 70, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला टर्म है माइनस 60 sin 15, माइनस एंटर करेंगे 60 साइन, यहाँ से रहेंगे साइन 15 degree, 15 ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आता है माइनस 47.72। आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू माइनस 47.72 न्यूटन। इस आंसर को फिर से हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव करके, इस आंसर को फिर से लिखा पॉजिटिव करके, इस आंसर को बॉक्स करेंगे। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग ने जो डायरेक्शन लिखा था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, जो एक्चुअल फोर्स का डायरेक्शन है वो इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड लिखा था और यहाँ पे हम लोग ने आंसर में वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिखा, क्योंकि अपने को आंसर यहाँ पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव आंसर को हम लोग ने पॉजिटिव किया और डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन था और यहाँ पे हम लोग ने वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दिखाया, तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर अपने को मिला है। और इन आंसर को बॉक्स करना और डायरेक्शन देना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई होल स्क्वायर। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को यहाँ से मिलेगा 34.78 न्यूटन, और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को यहाँ से मिलेगा 47.72 न्यूटन। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा r इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह अपने को लिखना है 34.78 न्यूटन, और समेशन ऑफ एफ वाई की जगह अपने को लिखना है 47.72, तो प्लस 47.72 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यूज को कैल्सियम में एंटर करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंटर करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट, उसके बाद ये टर्म को एंटर करना है, इसीलिए सबसे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, टर्म लिखेंगे 34.78, 34, यहाँ से पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट 78,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर यहाँ से आता है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस, प्लस एंटर करके प्लस, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से 47.72 है तो उसको एंटर करेंगे 47.72, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये भी स्क्वायर करना है तो इसीलिए एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे तो आंसर आता है 59.04। आंसर आएगा आर इक्वल टू 59.04 न्यूटन। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे, ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अभी टीटा फाइंड करना है अपने को, तो टीटा का फॉर्मूला होता है टीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ वाई अपने को यहाँ से मिलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को यहाँ से मिलेगा, तो वैल्यूज को पुट करेंगे टीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई, एफ वाई की जगह पे यहाँ पे लिखना है 47.72 और इस एफ एक्स की जगह पे अपने को ये वैल्यू लिखनी है 34.78, यहाँ पे हम लोग ने लिखी। अभी इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, टीटा एंटर करना है टैन इनवर्स ऑफ और ये अपॉन वाला फंक्शन, इसीलिए टैन इनवर्स एंटर करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टैन पे क्लिक करेंगे, फिर ये बना टैन इनवर्स वाला फंक्शन। अभी अपने को फ्रैक्शन वाला अपॉन वाला फंक्शन चाहिए, अपॉन वाले फंक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर है 47.72 तो वो प्रेस करेंगे 47.72, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर एंटर करेंगे 34.78, यहाँ से 34.78, फिर यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे फाइनल आंसर के लिए, आंसर है 53.91। आंसर आएगा टीटा इक्वल टू 53.91 डिग्री। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे और ये है टीटा का अपना आंसर, अपने को रिजल्टेंट मिला और टीटा मिला, और टीटा का फॉर्मूला में हम लोग ने टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स लिखा। इसका मतलब क्या, ये जो एंगल है टीटा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अपने को मिला है, यही हम लोग ने रिवर्स करते थे, इसका मतलब एफ एक्स अपॉन एफ वाई करते तो अपने को एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मिलता था, लेकिन हम लोग यही फॉलो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाला, यही फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अभी रिजल्टेंट का अपने को पोजिशन फाइंड करना है, रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड करना है, उसके लिए क्या यूज़ होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का डायरेक्शन और समेशन ऑफ एफ वाई का डायरेक्शन यूज़ होगा। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को पॉजिटिव मिला यानी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में मिला, और समेशन ऑफ एफ वाई का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स मिला यानी समेशन ऑफ एफ वाई अपने को नेगेटिव मिला, वो अपने को यूज़ होगा। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट या पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट, समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को पॉजिटिव मिला यानी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन, और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को नेगेटिव मिला यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स यानी एक्स एक्सिस में पॉजिटिव यानी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन ये वाला, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन ये वाला, और वाई अपने को नेगेटिव मिला यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ये वाला, एक्स में ये था हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब अपना लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अभी रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, ये है अपना फाइनल रिजल्टेंट, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है अपनी वाई एक्सिस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग ने रिजल्टेंट ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया था 59.04 न्यूटन, और उसका एंगल टीटा भी फाइंड किया हम लोग ने 53.91 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल आंसर। थैंक यू।